अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द मोमिनज़ किचन। आज मैं बनाने जा रही हूँ थ्रेड चिकन। बहुत सिंपल रेसिपी है, तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ मैंने ली हूँ 300 ग्राम्स चिकन, बोनलेस चिकन है। मैंने इसे 2 इंच के टुकड़ों में कट करी हूँ। कुछ लंबे पीस रखी हूँ, कुछ मीडियम पीस रखी हूँ। इसे मैंने अच्छे से वॉश करके छन्नी में 10 मिनट के लिए रखी थी। और अब मैंने चिकन को एक बॉल में शिफ्ट करी हूँ और अब मैं यहाँ पे मैं मसाले ऐड करूँगी। तो सबसे पहले यहाँ पे जाएगा 2 टेबलस्पून वेनेगर। अगर आपके पास नींबू का रस है तो आप नींबू का रस भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और अब मैं यहाँ पे ऐड कर रही हूँ 2 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट, और साथ में जाएगा 2 टेबलस्पून सोया सॉस, 3 टेबलस्पून रेड चिली सॉस, 2 टेबलस्पून रेड चिली पाउडर, ये कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर है। और इसमें ऐड करूँगी मैं 1 अंडा, इसे मैंने अच्छे से फेंट ली थी। और इसमें मैंने बिल्कुल भी नमक ऐड नहीं की हूँ, क्योंकि अदरक लहसुन में नमक है और जो सोया सॉस होता है उसमें भी थोड़ा नमक होता है, रेड चिली सॉस में भी नमक होता है। अगर आप लोगों को कम लगे तो आप अपने हिसाब से ऐड कर दीजिएगा। मैं इसे अच्छे से मिक्स कर दूंगी। अच्छे से मिक्स कर जाने के बाद मैं इसे रूम टेम्परेचर में रख दूंगी 4 घंटे के लिए मैरिनेशन के लिए। आप चाहे तो इसे ओवरनाइट भी फ्रिज में रख सकते हैं। मैंने यहाँ पे नूडल्स ली हूँ, ये पतले वाले नूडल्स हैं। इसे मैंने पानी में अच्छे से बॉयल करी नमक डाल के, और इसको पानी इसका जो ड्राई कर दी, और इसे 5 मिनट के लिए मैंने छन्नी में छान के रख दी थी। और अब मैं इसे प्लेट में शिफ्ट करूँगी। ये देखिए, इस तरह से खुले खुले आपको रखना है। अच्छे से नूडल्स को खुले खुले आपने रख दिए एक प्लेट में। ये चिपचिपे नहीं होना चाहिए, वरना आपके थ्रेड बनेंगे नहीं। तो इस तरह से मैं हाथों की हेल्प से नूडल्स को खोल दे रही हूँ। और यहाँ पे मैं ऐड कर रही हूँ 4 टेबलस्पून कॉर्नफ्लावर। इससे जो चिपचिपेपन रहते हैं नूडल्स में वो खुल जाते हैं, एक एक जो थ्रेड है वो अच्छे से बन जाती है। तो इसे हाथों से हेल्प से इस तरह से आपको पूरी तरह से मिक्स करते रहना है नूडल्स में कॉर्नफ्ला। और अब 4 घंटे हो चुके हैं, चिकन अच्छा खासा मैरिनेशन हो चुका है। यहाँ मैंने अब थोड़ा सा नूडल्स ली हूँ, तकरीबन 3 टेबलस्पून नूडल्स। और एक चिकन के पीस को आपको लेना है और नूडल्स को राउंड करते रहना है, चिकन के पूरी तरह से पूरा कवर करना है, और हाथों से इस तरह से थोड़ा सा मुट्ठी से आपको प्रेस करते रहना है। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो ये फ्राई करते वक्त खुल जाएंगे। तो ये रेडी हो चुका है। और अब मैं अब बताऊंगी आप लोगों को दूसरा तरीका। यहाँ आपको लेना है समोसा शीट्स, समोसा की पट्टी, ये 15 पट्टी है। और मैं इसे अब इसकी मैं थ्रेड बनाऊंगी। तो इसे मैं इस तरह से फोल्ड कर चुकी हूँ, और फोल्ड करने के बाद इस तरह से आपको कट कर देना है शीट्स को। और जितना आप फाइनली कट कर सकते हैं आप उतना बारीक कट कर दीजिएगा इस तरह से। ये देखिए, जैसे मैं कर रही हूँ, इसके इस तरह से पतली पतली आप लोगों को थ्रेड बनानी है। समोसे शीट्स की भी थ्रेड रेडी हो चुकी है, ये देखिए। अब मैं इसमें भी ऐड कर रही हूँ कॉर्नफ्लावर। कॉर्नफ्लावर से क्या होता है, जो मसाला वाला चिकन है वो अच्छे से इसमें कोटिंग कर देता है। अगर आप कॉर्नफ्लावर नहीं डालेंगे तो ये अच्छे से कोटिंग नहीं होगी, और फ्राई के टाइम पे ये सारे निकल जाएंगे। तो अब यहाँ पे मैं थोड़ा सा थ्रेड ले रही हूँ समोसा शीट्स की, इतना काफ़ी है। और अब यहाँ पे एक चिकन के पीस को आपको उठाना है, ये देखिए इस तरह से, और इसे इस तरह से कोटिंग इसकी भी करनी है। और जब भी आप इसकी कोटिंग करेंगे थ्रेड की, तो इसे इस तरह से आपको प्रेस करना है। अगर आप प्रेस नहीं करेंगे तो ये आपको दिक्कत देगा, फ्राई करते वक्त निकल जाएगा। तो ये देखिए, इस तरह से आपको कोटिंग कर देनी है। ये रेडी हो चुका है, इसी तरह से मैं सारे बना लूँगी। और अब ये रेडी हो चुका है फ्राई करने के लिए। ये देखिए, ये थ्रेड चिकन एकदम रेडी हो गया। इस स्टेज पर आप इसे फ्रिज में भी रख सकते हैं, एक एयरटाइट डब्बे में रख कर, लेकिन मैं इसे फ्रेशली फ्राई करूँगी। यहाँ मैंने ली हुई कढ़ाई, और यहाँ पे मुझे डीप फ्राई से करना है, क्योंकि चिकन जो है वो कच्चा है। तो सबसे पहले आपको इसे 5 मिनट हाई फ्लेम पे गरम करना है तेल को, और फिर गैस को आपको कर देना है मीडियम फ्लेम पर। और इस तरह से आपको थ्रेड चिकन ऐड करना है तेल के अंदर, और इस मीडियम में ही फ्राई किया जाता है। अगर आप हाई फ्लेम में फ्राई करेंगे तो ये अंदर तक कच्चे रह जाएंगे, ऊपर से ये गोल्डन हो जाएगा, लेकिन अंदर जो चिकन है वो कच्चा रह जाएगा। 2 मिनट हो चुके हैं, ये देखिए मीडियम फ्लेम पे ही मैं इसे फ्राई कर रही हूँ। अब मैं 2 मिनट बाद इसे टर्न कर रही हूँ,
इस तरह से बहुत ही आपको आराम से इसे टर्न करना है। चिकन थ्रेड को फ्राई होते हुए 6 से 7 मिनट लग चुके हैं। ये देखिए, एक साइड 2 से 3 मिनट, दूसरे साइड भी उतना ही। ये परफेक्टली गोल्डन कलर आ चुका है। मीडियम गैस पे मैंने इसे फ्राई करी हूँ। मैं इसे टिश्यू टॉवल में निकाल रही हूँ और मैं आप लोगों को डिश आउट करके बताती हूँ। तैयार है यहाँ पे बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही क्रिस्पी थ्रेड चिकन। ये खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है। आप इसे मेयोनीज़ के साथ में इंजॉय कर सकते हैं, सॉस के साथ में इंजॉय कर सकते हैं। इफ्तारी में आप ज़रूर इसे ट्राई करें। मेरी रेसिपी आप लोगों को कैसी लगती है आप ज़रूर कमेंट करके बताएं। मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। मिलती हूँ एक नए रेसिपी के साथ में। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।